प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिल वक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाज़िर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख जरीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, माहौली हुस्न इंतज़ाम। ये इसका पार्ट टू है। पार्ट वन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जब चाहें वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात दहम के लिए, स्टैंडर्ड टेंथ के लिए मज़मून है साइंस टू, और मैं हूँ आपकी मौलमा जरीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो चलिए देखते हैं। मैं हूँ आपकी मौलमा जरीन सबा, और जैसे कि आपको पता है स्कूल बंद होने के बावजूद तालीम का सिलसिला जारी वसारी रहे, इसलिए हम हर दफ़ा एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। हम देख चुके हैं हमारा माहौल है ना, हमारा एनवायरमेंट हमारे माहौल के बारे में, और आज जो है हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिलेंगे। माहौल किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। वैसे लफ्ज़ आपने कई दफ़ा सुना है, आप इस्तेमाल भी करते हैं माहौल या एनवायरमेंट। तो माहौल जो है एक वसी इस्तिलाह है, जानदारों पर किसी न किसी तरीके से असरानंदाज होने वाले तबई, कीमियाई और हयाती अज्जा, इन तमाम को मजमूई तौर पर जो है माहौल कहा जाता है। मुख्तसर ये कि माहौल से मुराद अतराफ़ के हालात, जानदार गैर जानदार, कुदरती और इंसान के बनाए हुए तमाम अज्जा का शुमार जो है हमारे माहौल में होता है। इसका मतलब ये है हमारे अतराफ में जितने भी अज्जा हमें नज़र आते हैं वो तमाम किस में शुमार होते हैं, एनवायरनमेंट में। माहौल में ख़ास तौर पर दो बड़े अज्जा का शुमार होता है, पहला है हयाती जुज़ और दूसरा है गैर हयाती जुज़। एवरीथिंग सराउंडिंग अस एंड अफेक्टिंग अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम दो बड़े अज्जा में जो है इनको शुमार कर सकते हैं। पहला है हयाती अज्जा यानी बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह, और गैर हयाती अज्जा यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं सारे नॉन लिविंग थिंग्स, गैर जानदार, और ज़मीन है, हवा है, पानी है, सूरज की रोशनी है, ये तमाम का शुमार इसमें होता है। माहौल की दो किस्में हैं, एक कुदरती माहौल होता है और दूसरा इंसान का बनाया हुआ माहौल। कुदरती माहौल में हवा, फिजाई कुर्रा, पानी, ज़मीन, जानदार वगैरह का शुमार होता है। इसमें जानदार और गैर जानदार में हमेशा बाहमी अमल जो है होते रहते हैं, इनके आपस में ताल्लुकात बहुत अहम होते हैं। इंसान के बनाए हुए माहौल का भी कुदरती माहौल पर बिलवास्ता या बिलावास्ता असर पड़ता ही रहता है, ठीक है। यानी जो एनवायरनमेंट हम अपने अतराफ़ में देखते हैं, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल या कुदरती चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं, कुदरती तौर पर मौजूद हैं, इन्हें इंसान जो है किसी भी तरह से चाहकर भी बना नहीं सकता है ना। कौन सी ये चीज़ें, हवा है, पानी है, ज़मीन है, जानदार है, इंसान का भी इसमें शुमार होता है, चरिंद परिंद का तमाम का शुमार होता है। इसके अलावा एक इंसान का बनाया हुआ भी माहौल है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसमें तमाम किस्म के इंडस्ट्रीज़ हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, और जितने भी घर हमने बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तमाम का शुमार जो है हमारे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में होता है। और इंसान के बनाए हुए माहौल का भी कुदरती जो हम एक माहौल है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, इस पर असर पड़ता है। किस तरह पड़ता है वो हम आगे देखेंगे। माहौलियात क्या है, ये तो हमने देखे, माहौल क्या है, माहौल के जुज देखे, माहौल की किस्में देखे, अब देखते हैं माहौलियात किसे कहते हैं।
या इकोलॉजी किसे कहा जाता है, माहौल में हयाती और गैर हयाती अज्जा के दरमियान बाहमी ताल्लुक के मुताले को जो है माहौलियात या इकोलॉजी कहा जाता है। जानदार और गैर जानदार एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं, इनके दरमियान जो है कुछ लेन देन यानी बाहमी तामुल होता रहता है, और ये जो जानदार और गैर जानदार है या जिसे हम हयाती और गैर हयाती अज्जा भी कह सकते हैं, इनके दरमियान जो आपस में लेन देन होता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है दोनों के दरमियान में, इस बाहमी ताल्लुक का मुताला जब हम करते हैं तो उसे माहौलियात या इकोलॉजी कहा जाता है। माहौलियात का मुताला करने के लिए जो बुनियादी अफाल की इकाई इस्तेमाल की जाती है उसे माहौली निज़ाम या इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है अभी? ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर एंड एनवायरमेंट, ठीक है, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जो इंटरैक्ट करते हैं उनके दरमियान जो बाहमी लेन देन होता है और माहौल, इन सबसे मिलकर बनता है इकोसिस्टम या हमारा माहौली निज़ाम। तो माहौलियात में ये जो इकोसिस्टम या माहौली निज़ाम है, निज़ाम का मतलब है सिस्टम। सिस्टम में जब कोई सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर काम करती हैं, उससे जो है एक सिस्टम पूरा बनता है। तो इकोसिस्टम यानी माहौल से बनने वाला जो सिस्टम है, माहौल से बनने वाला जो निज़ाम है। तो माहौल में ऐसे बहुत सारे माहौली निज़ाम जो है मौजूद है। अगर हम गौर करें तो पानी का एक छोटा सा गढ़ा भी एक माहौली निज़ाम है। जैसे तस्वीर में आप देख सकते हो, एक पानी का एक छोटा सा गढ़ा है, उसमें जो है वाटर वीक्स यानी पानी में रहने वाले नबातात मौजूद है, काई मौजूद होती है, वहाँ पर मछलियाँ मौजूद होती हैं, और फिर उसके बाद जो है मेंढक मौजूद होते हैं। मेंढक मौजूद होते हैं तो मेंढक की गिज़ा है, छोटी छोटी तितलियाँ फ्लाइज होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, पानी वहाँ पर अज़ाफ़ में मौजूद जो है चरिंद परिंद, और फिर उसके बाद पानी में रहने वाले जानदार, अतराफ में रेंगने वाले जानदार, पानी में रहने वाली नबातात, अतराफ में उगने वाली नबातात, ये तमाम से मिलकर जो है एक इकोसिस्टम, छोटा सा अपना एक इकोसिस्टम है इसका। और हमारी ज़मीन जो है, हमारी अगर पूरी ज़मीन को अगर हम देख लेते हैं तो हमारी ज़मीन एक सबसे बड़ा माहौली निज़ाम है। मुख्तसरन ये कि किसी मखसूस जुग्राफिया इलाके में रहने वाले जानदार और गैर जानदार और उनके दरमियान बाहमी अमल और इन तमाम के यकजा होने से माहौली निज़ाम या इकोसिस्टम बनता है। माहौल में कौन कौन से दौर होते हैं और इनकी क्या अहमियत है? माहौल में जो है जिस तरह से अलग अलग किस्म के माहौली निज़ाम है, वैसे माहौल में अलग अलग किस्म के दौर भी मौजूद है। साइकिल्स मौजूद है और मुख्तलिफ गैसों का दौर, जैसे कार्बन साइकिल मौजूद है, नाइट्रोजन साइकिल मौजूद है, ऑक्सीजन का दौर मौजूद है, आबी दौर यानी वाटर साइकिल मौजूद है। और हमें पता है वाटर साइकिल की वजह से ही हमें जो है बारिश का पानी मिलता है, हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं ना। नाइट्रोजन साइकिल की वजह से, हाँ, नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है बैक्टीरिया के जरिए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो जितने भी हयाती तामुलात होते हैं उसमें मदद मिलती है। ऑक्सीजन का जो साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल हम जानते हैं कि ये मुसलसल चलता रहता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, नबातात जो है ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, इस तरह से ये अमल चल रहा है। तो ये तमाम जो है कुदरती दौर बगैर रुके हुए चलते ही रहते हैं, और इस वजह से क्या होता है, माहौली तवाज़ुन बरकरार रहता है। माहौली निज़ाम में मुख्तलिफ गिज़ाई जंजीरों की वजह से ही माहौली तवाज़ुन कायम रहता है। इन्वायरमेंटल जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है ये तमाम साइकिल्स की वजह से। कुदरत के वजूद के बगैर इंसान का वजूद एक गैर मुमकिन बात है, इसलिए कुदरती माहौल का तवाज़ुन ना बिगाड़ते हुए उसकी हिफाजत करना जो है इंसान का बहुत अहम फ़र्ज़ है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे आबा व अजदाद की जानिब से ये ज़मीन हमें मौरसी हक के ज़रिए नहीं मिली, बल्कि ये हमको पिछली नस्ल जो है उससे कर्ज़ में मिली हुई है। यानी देखिए, ज़मीन दर ज़मीन जो है एक नस्ल से दूसरी नस्ल पर चलती रहती है। हमारे अम्मी अब्बा हमारे लिए कोई घर छोड़ कर गए हैं, खेत खेती बाड़ी छोड़ कर जाते हैं, फिर वो बच्चों को मिल जाती है उनके मरने के बाद, उनके मरने के बाद उनके बच्चों को मिलती है। तो हमें ये ऐसा लगता है कि ये हमारा हक है, मौरूसी हक है, लेकिन ये
ऐसा नहीं है, ये मौरूसी हक नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे पिछली जो नस्ल है यानी हमारे दादी दादा नाना नानी अम्मी अब्बा की तरफ से ये हमें कर्ज में मिली हुई है, और हमें जो है इसको संभालना है, और ताकि ये हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को भी, जिस तरह से हम आज ज़मीन पर अलग अलग तरह के चरिंद परिंद देख रहे हैं, नबातात देख रहे हैं, हैवानात देख रहे हैं, हमारी आने वाली नस्ल भी ये तमाम देख सकें, इसलिए हमें जो है अपने माहौल की हिफाजत करनी है। हम आज जो है फ्रेश एयर ले रहे हैं, खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, है ना, तो ये हमारी आने वाली नस्ल को भी बिल्कुल इसी तरह का माहौल मिलना चाहिए, इसलिए हमें अपने कुदरती माहौल की हिफाजत करनी है। माहौल का तहफ्फुज़, अब ये कैसे हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, तो चलिए देखते हैं कि माहौल का तहफ्फुज़ किस तरह से किया जा सकता है। माहौल पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से अज्ज़ा का असर होता है और कैसे। माहौल पर मुख्तलिफ अज्ज़ा जो है असर करते हैं, द नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल और मैन मेड फैक्टर्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अमंग नेचुरल फैक्टर्स, द सडन चेंजेस इन द वेदर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा अफेक्ट द नॉर्मल एनवायरनमेंट। यानी माहौल पर जो है कुदरती अज्ज़ा भी असरअंदाज होते हैं, यानी अचानक से मौसम की तब्दीली, कभी कभी जो है नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, जैसे कि फिल वक्त आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि हैदराबाद में सैलाब आया हुआ है और जिसकी वजह से काफ़ी तबाही मची हुई है, इसकी वजह से भी माहौल असरअंदाज होता है। ड्यू टू सच चेंजेस देयर आर प्रॉब्लम्स इन द इंटर रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे हम आगे देखने वाले हैं। ड्यू टू वेरियस मैन मेड कॉजेज देर आर एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, द पोल्यूशन ड्यू टू सच इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन, हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा आर ऑल मैन मेड चेंजेस दैट causes lot of damage to environment। इंसान ने भी माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, बल्कि कहना चाहिए कि इंसान ने माहौल का तवाज़ुन पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, क्योंकि हमने जो है अपने फ़ायदे के लिए पहली चीज़ तो ये कि दरख्तों को बेजा काट दिया गया, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी बहुत ज़्यादा सनतें जो हैं बनाई गई, सनतों की तामीर होने लगी तेज़ी से, जिसकी वजह से हवा की आलूदगी होती है, आवाज़ की आलूदगी होती है, माहौल की आलूदगी होती है, शहरी ज़िंदगी बढ़ती गई, गांव की ज़िंदगी, कुदरती माहौल की ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, जानवर का शिकार करना और उसके बाद डैम का कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाना, मॉल्स बनाना, ये सारी चीज़ों की वजह से माहौल बहुत बुरी तरह असरअंदाज हुआ। तो ये माहौल पर असरअंदाज होने वाले अज्जा हैं। दरिया किनारे के इलाकों में बड़े बड़े कारखाने बनाए जाएं तो दरिया के माहौली निज़ाम पर इसका क्या असर होगा। देखिए, अगर दरिया के किनारे इस तरह से बड़े बड़े कारखाने बनाए जाते हैं तो जाहिरी बात है जो कारखाने होते हैं इससे बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, मतलब हम कह सकते हैं आलूदगी फैलती है, और ये पानी की आलूदगी भी हो सकती है, हवा की आलूदगी होती है, और ये गंदा पानी जो है फिर वहीं दरिया के किनारे अगर इंडस्ट्रीज मौजूद होगी, कारखाने मौजूद होंगे, तो ये पानी दरिया में ही छोड़ दिया जाएगा, जिसकी वजह से पूरा दरिया का माहौली निज़ाम जो है तबाह व बर्बाद हो जाएगा, अगर वो गंदा पानी उसमें छोड़ा जाएगा जो केमिकल से भरपूर होता है, जिसकी वजह से पानी में मौजूद जानदारों पर इसका इफेक्ट हो सकता है, मछलियाँ मर भी सकती हैं। माहौल का तहफ़ुज़, माहौल में रहने वाले चंद कुदरती अज्ज़ा और इंसान के ज़रिए बनाई गई चंद आलूदा अशिया से जब माहौल का नुकसान पहुंचता है तब माहौल में शामिल कई अशिया के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा होता है, और इसका असर इन अज्ज़ा पर बिलखसूस हयाती अज्ज़ा के वजूद पर होता है। ठीक है, यानी हम अपने अतराफ में जो हयाती अज्ज़ा देख रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा कुदरती अज्ज़ा के ज़रिए, जैसे हमने देखे कौन से कुदरती अज्ज़ा है, कभी कभी सैलाब आ जाता है, वॉलकैनोज़ हम कह सकते हैं, आतिशफिशा, इसकी वजह से भी माहौल पर बिगाड़ पैदा हो सकता है, तूफान आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बिगाड़ जो माहौल में पैदा हो रहा है वो इंसान के ज़रिए बनाई हुई चीज़ों से माहौल पर असर हो रहा है।
नेचुरल डिजास्टर्स वर्सेस मैन मेड डिजास्टर। देखिए, नेचुरल डिजास्टर आर कॉज बाय नेचुरल फोर्सेस, जैसे मैंने उसको बताया, इसकी एग्जांपल है सुनामी है, सैलाब है, ज़मीन का खिसकना है, और तूफान होते हैं, जंगल में आग लग जाती है, कभी कभी कहत पड़ जाता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं यानी आतिशफिशा फट जाता है, जबकि इंसान के बनाए हुए बहुत सारे इस तरह के डिज़ास्टर्स भी है। हजार्डस मटेरियल स्पिल्स, एक्सप्लोजन्स होते हैं, बड़े बड़े धमाके होते हैं, जंगें जब लड़ी जाती हैं तो बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जिसमें माहौल का नुकसान भी होता है, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक्स किए जाते हैं। तो इस तरह से दोनों चीज़ों की वजह से, कुदरती अज्जा की वजह से और इंसान के बनाए हुए अज्जा की वजह से, माहौल बुरी तरह से असरअंदाज हो रहा है। आपके तरफ के माहौल का मुशाहिदा कीजिए, ज़ेल में दिए हुए नामुकम्मल रवां खाके को मुकम्मल कीजिए। माहौल पर असरअंदाज होने वाले अज्जा कुदरती अज्जा है और फिर यहाँ पे दिया हुआ है इंसान के बनाए हुए अज्जा। कुदरती अज्जा में दिया है जलजला, इंसान के बनाए हुए अज्जा में दिया है सिर्फ जंगलात की कटाई। अभी हमने जो इससे पहले देखे उसमें आपने देखी कि कौन कौन से अज्जा असरअंदाज होते हैं, कुदरती कौन से हैं, इंसान के बनाए हुए कौन से हैं। तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और अपनी टेक्स्ट बुक में दिए हुए इस नामुकम्मल खाके को मुकम्मल कीजिए। हर एक की ज़रूरत को पूरा करना ज़मीन की इस्तेतात में है, लेकिन इसमें किसी की भी लालच पूरी करने की इस्तेतात नहीं है। ये महात्मा गांधी का कॉल है, देर इज़ इनफ ऑन अर्थ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज ग्रीड। यानी हमारी जो ज़मीन है, ये इसमें इतनी सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, इतने सारे अज्जा, हयाती गैर हयाती अज्जा अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुहैया कर रखे हैं कि हमारी तमाम ज़रूरतें इससे पूरी हो सकती हैं, लेकिन किसी का भी लालच पूरा नहीं हो सकता इससे। ठीक है, हदीस का भी मफहूम है ना कि इंसान का पेट, जो इंसान की ख्वाहिश है, कभी पूरी नहीं हो सकती, और सिर्फ कब्र की जो मिट्टी है वही इंसान के पेट को भर सकती है। यानी इंसान जो है उसे कितनी चीज़ें क्यों ना मिल जाए, वो उसे कम पड़ती है। इसी ही इंसान की फितरत है और यही हमने अपने माहौल के साथ भी किया है। हमने अपने माहौल से इतनी सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी हमने मज़ीद और की हवस में अपने माहौल को पूरी तरह से तबाह व बर्बाद कर दिया और माहौल को मुकम्मल तौर से हमने आलूदा कर दिया है। किस तरह हमने अपने माहौल को आलूदा किया है, चलिए देखते हैं। और अब हम देखेंगे आलूदगी के बारे में, यानी पोल्यूशन के बारे में। आज ज़मीन पर कई कुदरती और इंसान के पैदा करदा अज्जा के असर की वजह से कई माहौली मसाइल पैदा हो गए हैं। इनमें सबसे अहम माहौली आलूदगी जो है एक अहम मसला है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला बनकर उभर रहा है इस सदी में, और ये एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन यानी ज़मीनी आलूदगी, लाइट पोल्यूशन हो सकता है, नॉइस पोल्यूशन यानी आवाज़ की आलूदगी की सूरत में भी ये हो सकता है। आम तौर पर किसी भी चीज़ का आलूदा होना यानी उसकी आलूदगी है। माहौली आलूदगी यानी कुदरती आफात या इंसान के अफ़ाल की वजह से अतराफ के माहौल में गैर ज़रूरी और नाकाबिल कबूल तब्दीली है, यानी हवा, पानी, ज़मीन वगैरह की तबई कीमियाई और हयाती खसूसियात में। इसी तरह इंसान और दीगर जानदारों के लिए नुकसानदा बिलवास्ता या बिलावास्ता तब्दीली है। इंसानी आबादी का धमाका यानी बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से आबादी बढ़ती जा रही है, दिन दिन तेजी से बढ़ती वह होने वाली सनतें, कुदरती वसाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। जाहिरी बात है, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे इंसान की जरूरतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से नई नई सनतें कायम होंगी, कुदरती दौलत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा, जंगलात की कटाई की जाएगी। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे शहर बढ़ते जाएंगे, घरों की तामीर करने के लिए जंगलात की कटाई की जाएगी, गैर मुनज़्ज़म शहरकारी वगैरह वजूहात माहौल के आलूदगी में इजाफे का बाज़ बनती है। इसके अलावा कई दफ़ा जो शहर बनाए जाते हैं वो प्लान नहीं होते, गैर मुनज़्ज़म होते हैं। प्लान सिटीज़ हमारे पास बहुत कम है। एक प्लान सिटी की एग्जांपल हम देख सकते हैं मुंबई के करीब जो नवी मुंबई है, वाशी नेरुल वगैरह का जो एरिया है, पूरा नवी मुंबई का एरिया, वो एक प्लान सिटी है। मुनज़्ज़म तरीके से शहर बनाए गए हैं, आप देखेंगे
हैं, बाकायदा से लेन्स हैं, प्रॉपर सड़कें हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, सही तरह से कॉलोनीज बनी हुई है, ये हम बाकी मुंबई के हिस्सों में नहीं देखते। तो ये गैर मुनज़्ज़म जो शहरकारी होती है, इसकी वजह से भी माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा होता है। आलूदगी की किस्में कौन कौन सी हैं? आपकी किताब में आलूदगी की किस्में नहीं दी हुई हैं, भी आपसे सवाल पूछा गया है, क्योंकि आप पिछली जमात में आलूदगी की किस्मों के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो आपको पता है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कौन से हैं? एक है एयर पोल्यूशन यानी हवाई आलूदगी, वाटर पोल्यूशन पानी की आलूदगी, सॉइल पोल्यूशन ज़मीन की आलूदगी, नॉइस पोल्यूशन आवाज़ की आलूदगी। आलूदगी एक वसी तसव्वुर है। आलूदगी जो है एक बहुत बड़ा वसी तसव्वुर है। हवा, पानी, आवाज़, तापकारी, ज़मीन, हरारती, रोशनी, प्लास्टिक की आलूदगी जैसे मुख्तलिफ अकसाम की आलूदगियाँ पाई जाती हैं। जो हमने पीछे देखे वो कुछ बेसिक किस्में थी आलूदगी की। इसके अलावा कुछ और आलूदगी की किस्में भी हैं, जैसे नॉइस पोल्यूशन है, आवाज़ की आलूदगी, पानी की आलूदगी, तापकारी आलूदगी भी होती है, ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, कौन सा वो हम आगे देखने वाले हैं, ज़मीन की आलूदगी होती है, हरारती आलूदगी होती है, रोशनी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी आलूदगी होती है, प्लास्टिक की आलूदगी, प्लास्टिक की वजह से माहौल जो है बहुत ज़्यादा आलूदा हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी डीकम्पोज नहीं होते, ये हज़ारों सालों तक वैसे के वैसे मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से माहौल इनकी वजह से दिन ब दिन आलूदा होता जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं फ़िज़ाई आलूदगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि कुछ नेचुरल वजूहात की बिना पर भी फ़िज़ा आलूदा होती है, शहरी इलाकों की वजह से भी फ़िज़ा आलूदा होती है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ वगैरह की वजह से भी फ़िज़ा आलूदा होती है। गैसीय अज़ा, अब फ़िज़ाई आलूदगी के कौन से गैसीय अज़ा हैं जिसकी वजह से फ़िज़ा आलूदा होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह। और इसके अलावा ठोस अज़ा इसमें शामिल होते हैं, धूल के ज़र्रात, राख है, कार्बन है, सीसा वगैरह, जिसकी वजह से हवा आलूदा होती है। फ़िज़ाई आलूदगी के असरात क्या होता है? फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से, फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से इंसान की सेहत पर बहुत मुज़ीर असरात होते हैं। हवा आलूदा होने की वजह से सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और बहुत सारे लोगों को दमे की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा ओज़ोन लेयर जो है उसमें सुराख होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी डायरेक्टली हम तक पहुंचती है और अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनके साथ पहुंचती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर इसका बहुत बुरा असर होता है। इसके अलावा एसिड रेन्स में इजाफा हो गया है और एसिड रेन्स की वजह से ज़मीन की आलूदगी हो रही है, स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से, इंसान की सेहत पर बहुत ज़्यादा मुज़ीर असरात होते हैं। अब देखते हैं आबी आलूदगी के बारे में, क्या है कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन, किस वजह से पानी की आलूदगी होती है? तो हम देख चुके हैं कि इंडस्ट्रीज़, तमाम किस्म के कारखानों की वजह से, शहरियाने की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा घरों की आबादी जब बढ़ जाती है तो इसका पानी सही तरह से जो है ड्रेनेज से नहीं बहाया जाता, बल्कि कई दफ़ा जो है करीब में मौजूद पानी के ज़खीरों में जो है पाइप छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी आलूदा होता है। एग्रीकल्चरल पोल्यूशन अक्सर जो है काश्तकारी की जाती है, उसकी वजह से भी आलूदा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम किसी सियाही मुकाम पर जाते हैं, चौपाटी या बीचेस पर जाते हैं, तो हम इंसान वही चीज़ें खाता है और वही बॉटल्स और ऐसी सारी चीज़ें उठाकर पानी में फेंक दी जाती हैं, जिसकी वजह से भी पानी आलूदा होता है। क्या होता है पानी की आलूदगी की वजह से? सबसे पहली तो वजह है पानी में रहने वाले जानदार मर जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं, फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो जाती है, इकोसिस्टम पर जो है इसका असर पड़ता है। और ये जो कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर है, यानी इस तरह का पानी अगर हम पी लेते हैं तो भी हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात होते हैं। बहुत सारे लोगों को जो है उल्टियाँ होती हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, कई दफ़ा बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है इसकी वजह से कि इंसान की मौत भी हो सकती है।
बिल्कुल वैसे ही ज़मीनी आलूदगी, ज़मीन भी जो है इंसान इसी तरह से आलूदा करता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? केमिकल एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, फार्म्स एंड डम्प्ड इनटू सॉइल। जितनी भी बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसके जितना भी कचरा है, केमिकल वेस्ट हो या दूसरी कोई भी चीज़ें हो, वो ज़मीन में लाकर फेंक दी जाती है, डंप कर दी जाती है। दिस केमिकल एंड वेस्ट मेक सॉइल पॉइजनस फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल। और इस तरह से जो फेंक दी जाती हैं चीज़ें, तो इसकी वजह से ज़मीन आलूदा होती है और इसमें जहर आ जाता है जो पॉइजनस है, यानी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदह है पौधों के लिए और जानवरों के लिए। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होता है और लॉस ऑफ सॉइल बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा एसिडिफिकेशन, ग्राउंड वाटर पर इसका असर पड़ता है, ज़मीन में जो पीने का पानी जज्ब हो जाता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। रिडक्शन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, इसके अलावा डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, ज़मीन की जरखेज़ी कम होती है, सॉइल इरीजन होता है और टॉक्सिक डस्ट वगैरह पैदा होती है। अब देखते हैं तापकारी आलूदगी। तापकारी आलूदगी या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जिसे कहते हैं, ये कुदरती और इंसान की पैदा करदा इन दो तरीकों से हो सकती है। तापकारी के नतीजे में खारिज होने वाली बालाएं बनफ्शी शुआएं, जहरी सुर्ख शुआओं का शुमार जो है कुदरती तापकारी में होता है, जबकि एक्सरे, एटमी बॉम्ब और एटमी भट्टियों से निकलने वाली तापकारी शुआएं इंसान की पैदा करदा तापकारी में शुमार होती है। दुनिया में आज तक चर्नोबल, विंग स्केल और 3 माइल आइलैंड जैसे बड़े हादसात जो है हो चुके हैं। इन हादसात की वजह से हजारों लोग लंबे अरसे तक मुतासिर हुए हैं। चेर्नोबिल का इंसिडेंट या विंग स्केल इंसिडेंट या 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट्स की डिटेल्स जो है इंटरनेट पर दस्तियाब है। आप यूट्यूब में इसके वीडियोस भी देख सकते हैं। चेर्नोबिल इंसिडेंट पर बाकायदा से एक पिक्चर भी बन चुकी है, तो आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से रेडियो एक्टिव रिएक्शंस सालों तक इंसान पर जो है इसके असरात किस तरह से होते हैं, वो आप इंटरनेट से इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन वैसे है क्या? एडिशन ऑफ रेडिएशन टू एनवायरनमेंट बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव वेस्ट इज मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पोल्यूशन। जितनी भी हमने आलूदगी देखे, उसमें सबसे डेंजर किस्म का जो पोल्यूशन है वो तापकारी आलूदगी है। और कैसे होती है? तापकार एडिशन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन जो है वो एनवायरनमेंट में ऐड हो जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जरिए, तापकार अनासर के जरिए, और फिर ये कभी खत्म नहीं होते। सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एंड डिटोनेशंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन जो बनाए जाने लगे हैं या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स जो होते हैं, उसकी वजह से डिफेंस वेपन प्रोडक्शन, जो वेपन्स बनाए जाते हैं उसकी तैयारी के दौरान भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है। इसके अलावा माइनिंग में न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं, रिसर्च प्रोसीजर्स होते हैं, इसके अलावा मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, टीवी के जरिए भी रेडिएशंस होती हैं, उसकी कुछ शुआएं निकलती हैं, कंप्यूटर से कुछ शुआएं निकलती हैं, रेडियो वेव से शुआएं निकलती हैं, सेलफोन्स, जी हाँ, जो सेलफोन पर आप मेरा वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, उस सेलफोन से भी कुछ शुआएं निकलती हैं जो आपकी आंखों पर असरअंदाज होती हैं। तापकारी आलूदगी के चंद असरात ज़ेल के मुताबिक है, एक्सरे जो कर किया जाता है तो उस दौरान एक्चुअली एक तरह की शुआएं आपके जिस्म के आर पार होती हैं, तो एक्सरे की जो ऊंची तापकारी की वजह से कैंसर पैदा होता है। और ये जो रेडिएशन है ये कई दफ़ा डीएनए को डैमेज कर देते हैं, जिस्म के खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जीन में तब्दीली पैदा होती है। कैसे जीन में तब्दीली पैदा हो रही है? क्योंकि ये रेडिएशन डीएनए को डैमेज करते हैं। इसके अलावा बसारत पर नुकसानदह असरात मुरतब होते हैं, यानी देखने की जो हमारी कैपेसिटी है जिसको हम बसारत कहते हैं, उस पर असरात होते हैं। कुछ दफ़ा लोगों को कम नज़र आने लगता है, आँखों में दर्द होने लगता है, कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली जाती है।
थायराइड पर असर होता है, आंखों पर असर होता है, लंग्स पर आप देख सकते हैं असर होता है, स्टमक पर असर होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर इसका असर होता है, स्किन पर असर होता है, बोन मैरो पर भी इसका असर होता है। रेडिएशन इज़ एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। जैसे मैंने कहा कि मोबाइल से जो है रेज निकलती है, इसके अलावा जितनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमें अपने अतराफ में नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट से या न्यूक्लियर बॉम्ब से जो है इस तरह की रेज निकलती है। हमारे घर में फ्रिज है, टीवी है, एसी है, म्यूजिक सिस्टम है ना, ओवन है और इस्त्री है, और इसके अलावा वॉशिंग मशीन है, सेलफोन्स हैं। ये तमाम से अलग अलग तरह की शुआएं जो है निकल रही हैं, लेकिन ये शुआएं इतनी ज़्यादा नुकसानदह नहीं होती जितनी पावर प्लैंक्स वगैरह की शुआएं नुकसानदह होती हैं। हाँ, मोबाइल की जो शुआएं हैं, वाईफाई हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं तो वाईफाई की भी जो रेडिएशंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदह होती हैं। इसके अलावा मोबाइल के जो ऊँचे ऊँचे टावर्स होते हैं उससे निकलने वाली जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदह होती है, और ये खास कर चिड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जहाँ मोबाइल के टावर्स ज़्यादा मौजूद हैं वहाँ पर चिड़ियों की मौत बहुत ज़्यादा होने लगी है। आलूदगी पर काबू ज़रूरी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि आलूदगी पे हमें काबू पाना है, और अगर हम आलूदगी को काबू नहीं कर पाए तो एक दिन ये दुनिया फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्यों कहा जाता है? इसकी वजह आपको तलाश करनी है। स्टॉपिंग पोल्यूशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। अगर हम इस पोल्यूशन को रोकने की कोशिश करते हैं या किसी तरह से, हम पूरी तरह से इसे ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। तो पोल्यूटिंग ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी है? कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं, इमिशंस, डर्टी वाटर, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टिंग ऑयल, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने माहौल की हिफाजत करें तो हमें आलूदगी को कम करना होगा। एनवायरमेंट इज़ नो वंस प्रॉपर्टी टू डिस्ट्रॉय, इट्स एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। यानी ये जो हमारा एनवायरमेंट है, हमारा जो माहौल है, ये किसी की अपनी जाती मिल्कियत नहीं है कि हम इसे जो है आलूदा करें, बल्कि ये हर किसी की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत दुनिया दी है, उसमें इतनी सारी नेमतें दी हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसकी हिफाजत करें। सेव द अर्थ, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहन में रखिए और इसके मुताबिक अमल कीजिए। हमने क्या देखा कि दरख्तों का खात्मा यानी सबका खात्मा। हमें अपने माहौल को बचाना है, माहौल को बचाइए, आइए पेड़ लगाइए। जंगल की दौलत ही हमारी असली दौलत है। माहौल का तहफ्फुज़ है इकदार की तालीम। कागज़ की किफ़ायत शहरी यानी दरख्तों को कटने से बचाना। दुनिया में माहौल का तहफ्फुज़ ज़रूरी, तभी होगी इंसान की तरक्की। सेहत की शाह चाबी साफ हवा और साफ पानी। एक छोटी सी सरगर्मी है अब यहाँ आप लोगों के लिए, गंगा और जमुना दरियाओं की आबी आलूदगी की वजूहात और असरात। नीज़ फिजाई आलूदगी से ताजमहल पर होने वाले असरात पर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। गंगा और जमुना जो दरिया जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मुकद्दस भी माने जाते हैं, वो किस तरह से वाटर पोल्यूशन की वजह से आलूदा हो रहे हैं, आपको इसकी वजह ढूंढनी है, और इसके क्या असरात हो रहे हैं हमारे माहौल पे, ये आपको पता लगाना है। इसके अलावा जो ताजमहल जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दुनिया के 7 अजायबात में से एक है ना, हमारे मुल्क में आगरा में वाकई है, तो फिजाई आलूदगी की वजह से ये जो ताजमहल है जो बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, ये किस तरह से काला पड़ता जा रहा है। यस, ये काला पड़ता जा रहा है। तो ताजमहल पर होने वाले असरात पर और गंगा जमुना दरियाओं की आबी आलूदगी पर आपको एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कंप्यूटर में भी बना सकते हैं आप, और लैपटॉप में या छोटे से मोबाइल में भी आप बना सकते हैं, तो आपको तैयार करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके जवाब दिए जाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो YouTube पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह।